20 अगस्त देपालपुर मंडी जिला इंदौर मंगलवार का दिन और मंडी प्रत्येक मंगलवार के दिन इंदौर जिले में लगती है। दोस्तों वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे कि जो आज का बाजार है इसमें पशु में क्या जो कीमतें हैं उसमें तेजी दिखी या मंदी दिखी, तो आप बने रहिए वीडियो के एंड तक। बाकी बढ़ते हैं वीडियो में आगे और वीडियो को जोरदार लाइक करिए। देखिए इस वाली भैंस अभी ये सेल हो चुकी है देपालपुर पशु बाजार से। अभी इस वाली भैंस की पूरी जानकारी देंगे, खरीदार कौन है इसके और किस कीमत में हुआ है सौदा, जो भी है दूध कितना क्या होगा, 4-4.5 किलो के आसपास में शायद दूध लगा देगी ये एक अनुमानित। बाकी जो भी है खरीदार उनसे हम जानकारी लेंगे, जो सचिन पटेल है उन्होंने करवाया सौदा इसका। तो भैया किसने खरीदी है? ये हमने खरीदी है। कहाँ से पहुँचे हो आप? हम उज्जैन से आए हैं, सचिन भैया का फोन द्वारा हमारा कांटेक्ट हुआ था, फिर हमने यहाँ आके सचिन भैया को फोन लगाया, फिर हमें उन्होंने बढ़िया भैंस दिलाई है। जी कितने में हुआ सौदा? 77,000 में। आपका शुभ नाम? रानू मालवी, उज्जैन से। रानू मालवी। तो सचिन का दूध इसका कितना होगा अनुमानित आपके अनुमान से? 5 किलो के आसपास में। जी और कौन से ब्यांत की है भैंस? तीसरे ब्यांत में। जी बता रहा है तीसरा। जी तो तीसरे ब्यांत की भैंस है और जंगल पशु का सिरोही। जी आप, जी भैया आपने बेची है? जी ठीक है। आपका शुभ नाम भैया? शाहरुख। और अंकल जी आपका, आप भी साथ में ही आए हो? जी आपका शुभ नाम? जी तो संपर्क कैसे हुआ सचिन भैया से? मैं बहुत पहले से जानती हूँ इनको, यूट्यूब के हिसाब से हमारा हुआ था संपर्क। जी हमने देखा था इनकी वीडियोस। जी फिर उस पर नंबर था, आपने कॉल किया, फिर सचिन भैया बोला मैं दिला दूंगा, फिर हम लोग इनके द्वारा यहाँ पे आए। जी तो पहले भी आप देपालपुर में आए हो भैंस के लिए? पहले भैंस के लिए गाय लेके गए। गाय लेके गए थे। जी तो भैंस कैसे क्या लगी आपको? भैंस बढ़िया लगी। तो अपने मतलब अपने घर के लिए के? घर के लिए। जी ठीक है धन्यवाद। तो सचिन भैया गाड़ी वगैरह? गाड़ी हो जाएगी ना? हो जाएगी। और आपके अनुमान से भैंस कैसे क्या है निकाल देगी जो दूध बताया है? सामने वाले ने 6 किलो बताया पर 5 किलो को दिक्कत नहीं आई। जी भी मिस्टेक नहीं आई, बाल में भी मिस्टेक नहीं। जी ठीक है भैया। इस वाली भैंस को कवर कर रहे हैं हम, खोल दो। ये वाला बच्चा है इसका, कहाँ की है भैंस भैया? की। जी खोल दीजिए, थोड़ी घुमा दीजिए इसको। देख सकते हैं दोस्तों ऑर्डर क्वालिटी, कद काठी वगैरह भैंस की। भैया क्या कीमत लगा रहे हो उसकी? 1,20,000। और अभी का दूध इसका? जी निकाल देगी 9 किलो? अभी जनी है, ताजी है। जी कितना समय हुआ इसको? 12-13 रोज के लगभग जनी है, देख सकते हैं आप। आप कहाँ से आए हो? ठीक है ले लो उधर। तो दोस्तों बताते हैं जो इसकी है पूरी जानकारी, आप तक बने रहिए आप। भैया कौन से ब्यांत में होगी? तीसरे या चौथे ब्यांत में। अपने घर की है कि अपन व्यापार करते हैं? अच्छी जी बाखड़ी में लाए थे। जी तो कहाँ तक देनी है आपको एक अनुमान? ये अपन 1,20 मांग रहे हैं, 1,10 तक देंगे। जी और 1,10,000 के आसपास है ना? जी ठीक है धन्यवाद आपका। दोस्तों एक मिंडा भैंस को देखिए, ये बच्चा है इसके नीचे और देख सकते हैं आप। तो भैया कहाँ की है भैंस? शाहपुरा की है भैंस ये। जी कीमत क्या लगा रहे हो? कीमत मांग तो 1,00,000 रुपए है। जी पर दे देंगे 80-85 की दे देंगे। 80-85 हजार। भैया दूध कितना होगा इसका? दूध है 6 लीटर भाई आप। जी 6 लीटर। 6 किलो के आसपास में दोस्तों मित्रों दूध बताया जा रहा है इसका, मिंडा नस्ल की भैंस। 6 किलो दूध है। देख लीजिए ऑर्डर क्वालिटी, आप भैंस की चाल डाल देख सकते हैं। तो भैया कौन से में जनी है? तीसरे में भाई साहब ये। तीसरे में। हाँ। जो आपका शुभ नाम? राहुल चौहान। राहुल जी चौहान। तो देख सकते हैं 80-85 हजार बता रहे हैं भैया इसकी कीमत, ये बच्चा जो सामने खड़ा है इसके।
अभी का 6 किलो तैयार दूध। और ये वाली भैया 1,10,000 जी दोस्तों, इसके पास भी 6 लीटर के लगभग दूध अवेलेबल है, देख सकते हैं आप। कद काठी इसकी भी काफी शानदार, बढ़िया भैंस, बॉडी स्ट्रक्चर भी अच्छा है और अडर क्वालिटी देख सकते हैं आप, लगभग सभी साफ सुथरी है पूरी तरह से भैंस। ये तीसरे में है क्या, चौथे में? तीसरे में जी। ये कहाँ तक छोड़ दोगे अनुमानित? 95,000 के आसपास। ठीक है भैया, कौन सा गांव बताया आपने? शाहपुरा। जिला? देपाल, इंदौर। इंदौर, देपालपुर के आसपास ही। ठीक है भैया, 20 किलोमीटर दूर है यहाँ से, देपालपुर से जी। आज जो देपालपुर का बाजार है, यहाँ की हम भैया से स्थिति जानते हैं कैसा क्या है। कल जो राखी थी, इसके कारण जो घोंसला का बाजार था वो भी हमें डाउन दिखा था, और आज देपालपुर में अभी पहुंचे हैं। तो जो भैया की अभी भैंस खड़ी है, इनसे जानकारी लेते हैं, चर्चा करते हैं कि आज का मार्केट कैसा क्या है। भैया क्या हाल चाल है, कहाँ से आए हो, कौन से गांव से आए हो? हांसा केड़ी जी। तो कितने पशु लाए थे आज? दो भैंस लाए थे। तो आज का मार्केट कैसा क्या है आपके अनुमान से? आज का बाजार बहुत डल जा रहा है, बाजार भैंस की कीमत ही नहीं लग पा रही जी, और कीमत नहीं लग पा रही और ग्राहकी भी बहुत कम है, कोई लेने को नहीं आ रहा है जी। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, पशु तो काफी है मंडियों में, पर जो कल घोंसला का बाजार गया था, जो डाउन गया था स्थिति, आज देपालपुर में भी वही देखने को मिल रहा है, ग्राहकी नहीं है भैंसों की ज्यादा। तो भैया कुछ मतलब बहुत कम कीमत लग रही होगी आपके पशु की? हाँ, 1,50,000 रुपए मांग रहे हैं, जो 1,00,000 रुपए लगा रहे हैं हमारी भैंसों की। जी जी, बताइए भैया भैंस। ये भैंस रही, ये वाली। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये वाली भैंस है, ये बच्चा है नीचे। भैया कितने दिनों का है बच्चा? 20-25 दिन का है जी, 20-25 दिन के आसपास का बच्चा है। देख लीजिए आप भैंस के रिंग सिंग, अडर क्वालिटी देख सकते हैं, कद काठी बढ़िया है भैंस की। भैया इसकी क्या रखी थी कीमत आपने? इसकी 85,000 रखी है। और एक और कौन सी है भैया? एक ये वाली, तो देख लीजिए दोस्तों, एक ये वाली भैंस है इन भैया की, जो अभी दोनों भैंस लेकर आए हैं देपालपुर के बाजार में, जो जिला इंदौर। ये वाला इसका बच्चा है, इसकी क्या कीमत रखी भैया? 75,000। तो देख सकते हैं, और एक भैंस की 85,000 रखी है भैया ने, एक भैंस के 75,000। पर अभी आज वही देपालपुर का जो मार्केट है थोड़ा डाउन लग रहा है, इसके कारण ग्राहकी बहुत कम लग रही है। ठीक है भैया, भैया दूध कितना होगा अनुमानित? इनके नीचे दो के नीचे 10 लीटर टाइम का दूध है जी। ठीक है, धन्यवाद। तो देखिए भैया के दामनी की भैंस से बताते हैं आपको, कहाँ से आए हो भैया, कौन से गाँव जी? तो देख सकते हैं अडर क्वालिटी बढ़िया देखने को मिल रही है पशु की, भैंस की। तो भैया कहाँ की है भैंस, कौन सा जंगल? जालौर जिले की जी। कद काठी देख सकते हैं, अडर क्वालिटी काफी शानदार देखने को मिल रही है, और काफी धूप है दोस्तों अभी मंडी में। भैया कीमत क्या लगा रहे हो इसकी? 1,05,000 रुपये जी। और इसका दूध अभी कितना होगा? 6 लीटर दूध है भैया इसके पास, 6 किलो अभी का जी। और अभी गाड़ी आई जी, दस अभी आई जी। तो अभी कितने पशु है आज आपके पास? 10 पशु जी। तो आज का कैसा क्या मामला, बाजार का थोड़ा डल है ना जी? ग्राहकी भी कम है थोड़ी। हाँ जी, तो भैया कौन से ब्यात में, जो अभी आपने बताई थी हमें जी, दोस्तों देख सकते हैं तीसरे ब्यात की भैंस है, जो अभी आप देख रहे थे काफी बढ़िया, और आज वही ग्राहकी काफी कम है मंडियों में, जो भैंसे हैं वो लगभग लबालब मंडी भरी हुई है। और अभी समय की बात करें तो समय 11 से ऊपर करीब 11:44 हो रहे हैं, 11:44, और मंडी लबालब भरी हुई है, ग्राहकी काफी कम है आज। एक ये वाली भैंस, ये भी बच्ची, भैया ये कौन से ब्यात में जनी? दूसरे लेक्चर में।
तो देख लीजिए दोस्तों, दूसरे ब्यात की भैंस जो आप देख रहे हैं देपालपुर पशु मंडी से, ये इसका कितना होगा दूध? इसके पास है 5 लीटर दूध, 5 किलो। और इसकी कीमत क्या रखी है आपने? 80,000। ठीक है भैया, धन्यवाद। कहाँ से पहुँचे हो भैया आप? कौन से गाँव? जी कितने लगाए आपने इसके? 60,000। और भैया अभी 80,000 डिमांड रखी है इन्होंने। ठीक है भैया। दोस्तों अब आपको जो कुछ देसी नस्ल की भैंस है अच्छी कीमत के साथ अच्छे दाम के साथ में बताएंगे जो रिजनेबल रेट हैं, तो इनके हम बहुत दिनों के बाद में भैया की भैंस कवर कर रहे हैं, काफी जो रिजनेबल दाम में पशु बताते हैं। भैया कहाँ की है आपकी दामनी? जी आपका शुभ नाम? जी भैया, तो इस वाली भैंस का की क्या कीमत लगा रहे हो भैया? 70,000 पर 65,000 में हो जाएगी जी। और भैया दूध इसका परसों जनी जी। तो भैया जो आज है, जो हमने कुछ जानकारी मिली हमें या हमें लग भी रहा है आज मंडी लग, मतलब अभी 12 बजे के आसपास का समय हो चुका है मंडी जी, वैसे कम बिकी है आज, तो आज मंडी थोड़ी डाउन है ना जी, और ग्राहकी बहुत कम जी। और सारी भैंसे छोटी मोटी सब पास जी भैया, अपने पास कम से कम और अच्छी सभी प्रकार की भैंसे मिल जाती है जी। ये वाली भैया ये भी है ना, ये किस दाम में मिल जाएगी? तो देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ी दुबली पतली है पर 52,000 की डिमांड के साथ में आपको देखने को मिल रही है ये वाली भैंस, देख सकते हैं आप। 4 दिन की जी, 4 लीटर दूध के बाद भी जी। भैया अपना पशु का जंगल कौन सा है? ये अपना पाली जिला है। पाली जिला, बहुत सारे गाँव पाली जी। एक ये वाली भैंस देख लीजिए, सभी के जो ताजे बच्चे हैं सामने सामने बच्चे सभी के 65,000 इसकी रखी गई है वाजिब दाम है। इस वाली के 65,000 रुपए देख सकते हैं, ये पाड़ी 65,000 की डिमांड के साथ में ये वाला बच्चा जो भी कीमत बताइए भैया ने वाजिब दाम, और उसके बाद भी यदि सौदा होता है थोड़े बहुत और भैया कम हो जाएंगे जी। तो भैया अपने जो पशु है मतलब जो आपने पाली जिला बताया वहाँ से घूम घूम के गाँव से लेके आते हैं सर, इकट्ठा माल होता है फिर गाड़ी लोड करके ये आते हैं जी। एक ये वाली दोस्तों बहुत बड़ी भैंस है, बढ़िया बॉडी स्ट्रक्चर के साथ में, ये सामने इसका बच्चा है और काफी शानदार 85,000 बहुत नहीं भैया बहुत ही वाजिब दाम में बताइए जो आपने ये वाली पूरी मंडी में बताया कोई भी यहाँ पर जी, दामनी तो बहुत सारी है जी, बड़ी भैंस है देख सकते हैं आप, हाइट वगैरह देख सकते हैं आप, काफी बढ़िया हाइट है, भैया से अनुमान लगा लीजिए आप पशु की हाइट। पूरे मंडी में कोई नहीं छोटी है पर ये भी। और एक ये वाली 55,000 फाइनल 52। भैया इस वाली का दूध कितना, यदि तैयार होगी तो कितना दे सकती है? अभी का हाल फिलहाल का 5 किलो। और ये दूध 7 और 8 देरी मजे नहीं आते। अच्छा बार करना पड़े जी भैया हमेशा के लिए जी। सस्ती भैंस मिलती है मार्केट में, थोड़ा मार्केट डाउन है जी। एक बार और आपका नाम पता बताइए। नाम रवि जी, गाँव जी जी। ठीक है भैया, ये वाली भैंस देख लीजिए आप जो 85,000 की डिमांड रखी है भैया ने इसकी, ये बच्चा है जो भी आप देख रहे हैं इसके सामने, और हार्ट पिपलिया की भैंस है। तो भैया दूध कितना होगा अनुमानित? 4.5 किलो देख सकते हैं दोस्तों, 4.5 किलो के आसपास में दूध है। और जो आज है पशु मंडी में शायद वही हम आपको जो पहले बता रहे थे कि काफ़ी मंडी लगभग भरी हुई है, जो भैंसे हैं उसकी बिक्री भी कम हुई है भैया, जो मतलब किसान की भैंसे जी। तो आज मतलब यदि आपके जो भी आपने भैंस की एक लगाई होगी अनुमानित कीमत के ये आ जाएंगे, वो लग नहीं रहे होंगे क्योंकि आज थोड़ी ग्राहकी कम लग रही है हमें, है ना, मतलब भैंसे तो काफ़ी खड़ी है पर लेवल कम है आज। कल भी जो आज की मंडी ऐसा ही कल घोंसला में भी हुआ था राखी के कारण जी। तो कितने आशु आन्ना नाम से जी,
ये कहाँ तक थी आपकी इच्छा देने की इसकी? 80,000 जी, ठीक है, थैंक यू। सेल हो चुकी है देपालपुर भैंस बाजार। जो अभी समय की बात करें तो करीब करीब 12:20 का समय हो रहा है और इसकी जानते हैं किस कीमत में सेल हुई है। देख लीजिए हेडर क्वालिटी आप। भैया किसने खरीदी है? अपन ने जोड़मा वाला। जोड़मा से आए हो? जोड़मा जी, घोसला के पास जी। तो भैया कितने में खरीदी है? 70,000 में जी। तो अपने घर के लिए खरीदी की व्यापार करते हैं? दूध खाने के लिए। शुभ नाम आपका? इकनाथ सिंह जी। आप भी साथ हो भैया जी? सभी साथ में ही। तो देख सकते हैं दोस्तों 70,000 की कीमत के साथ जो भैया पहुंचे इन्होंने खरीदी है। पहले में ही जानी है जी। अभी आप ये थी किसकी? आपकी थी। कौन से गांव की थी ये? नागदा जंक्शन की। तो भैया अभी कितना दूध दे रही वर्तमान में? अभी ये 4.5 किलो दे रही है लगा रही। देख सकते हैं बाड़ी है पहले ब्याज की और कीमत बताई जा रही है दोस्तों इसकी 70,000 रुपए। आप कहाँ से पहुँचे हो? हम दत्तोदा गांव इंदौर जिला जी। खरीदने आए हो? खरीदने आए। दोनों भाई साथ में हो? मित्र, तीन मित्र हमारे, एक और कहाँ गया जी? कहाँ गया यार, उसको ढूंढना पड़ेगा भैया जी। ठीक है, तो ली कोई अभी के नहीं? अभी ली नहीं भैया, बाजार बहुत टाइट है। टाइट है जी हमारा हिसाब से। आपके हिसाब से? हाँ नहीं, तो मेरे हिसाब से थोड़ा डाउन लग रहा है, थोड़ी ग्राहकी कम है आज। 5.5 लीटर की 1,00,000-1.25 लाख ऐसे कीमत बोल रहे एक गिलास। अच्छा, और अभी मतलब 8 महीने भर पहले 85-80-75 में ले गए थे जी, 80-80 में जी, वही 5.5-5.5 लीटर दे रही जी। बाजार बहुत टाइट हो गया और पानी गिर रही ना भैया। हाँ वही समस्या है, बद गए और मतलब इतने हाइट ले ली और फल नहीं आया। पानी गिरेगा तो फल आएगा, फल फूल आएंगे। इंदर राजा से यही प्रार्थना है कि वो जल्दी से जल्दी बरसे। जो भी होगा भैंस। ठीक है भैया, ठीक है भैया। इस वाली भैंस को देखिए आप। अच्छा, काफ़ी अभी जो बाजार है काफ़ी गर्मी का माहौल बना हुआ है, पानी काफ़ी दिनों से नहीं भी गिरा है और संभावना है आने की, इस कारण जो गर्मी है काफ़ी पड़ रही है। अभी देख सकते हैं इस वाली भैंस को, तो क्या कीमत कर रहे हो भैया? 72,000 से। 72,000 कहाँ की है भैंस? गोयला की। गोयला, देख लीजिए 72,000 की डिमांड के साथ में आपको देखने को मिल रही है दोस्तों देपालपुर पशु बाजार से। पर जो भी भैंस है, किसी भी पशु का सौदा होता है तो वही जो कीमतें हैं, जो एक मांगने और लेने देने में काफ़ी अंतर हो जाता है। तो भैया ये दूध अभी का कितना दे रही है? 4.5 किलो है। 4.5 किलो कहाँ तक छोड़ोगे इसको? 65,000 में। आज थोड़े ग्राहक कम लग रहे हैं। ग्राहक कम लगता है जी। कितने क्या लग रहे हैं फिर आज के अनुमान से? आज कितने लग रहे हैं इसके बाजार में? आज थोड़ा डाउन भी है। 60,000 जी। ठीक है भैया, धन्यवाद। देखिए एक ये वाली भैंस है जी, नहीं बिकेगी फिर भी हम कितना। दोस्तों इस वाली भैंस का भी सौदा लग रहा है, तो दिखाते हैं हम आपको कि क्या होता है, क्या कीमत लगती है इसकी और सौदा हो पाता है या नहीं। ये वाला जो बच्चा है, भैंस कहाँ की है भैया? ये सगड़ोत की जी। तो देख लीजिए एक बार और आप पशु की जो ऑर्डर क्वालिटी है। अब देखिए आप, तो इन भैया की आपकी है भैया? अच्छा उनकी है जी। खरीदार है आप? सभी खरीदार हो? हम खरीदार हैं जी। ये भैया भी साथ में उनके बेच रहे हैं जी। ये खरीदार हम जी। तो भैया क्या लगा रहे हो कीमत? कहीं मांगी रहेगा? एक लाख मांग रहे हैं। एक लाख रुपए अभी हमने लगाया नहीं है जी।
अभी विचार चल रहा है, विचार चल रहा है, पर आप आ गए तो फिर हम क्या बकरी लेके आए आप? बकरी लेके आए सर जी, तो कुछ हुआ सौदा? नहीं हुआ, नहीं हुआ सौदा यार, सेट बिका भी नहीं। देखो डांडा भैंस वाला जगह जगह नहीं यहाँ पे यार जी। ये बकरी का बाजार? हाँ, ये जो क्षेत्र ये बकरी के बाजार में देखो डांडा भैंस वाला, देखो कहाँ जगह बकरे बेचे, कहाँ बकरे बेचने की जगह भी नहीं। जो देपालपुर बाजार है, जो आज का हम विश्लेषण करें कि जो पूरा मंडी मेला है, मंडी मार्केट है, यहाँ की हम बात करें तो जो आज ग्राहक की तो काफ़ी थी, काफ़ी कम थी और भैंसें ज़्यादा थी। तो एक इस वाली भैंस को देख लीजिए, कीमतें दोस्तों वही कुछ डाउन जाएगी, आज हम बता देते हैं आपको। कई मांगीराव साहब, कई लगाई रहा कीमत? 1,05,000। 1,05,000 कहाँ की है भैंस जी? अभी दूध कितना दे रही? 7 किलो दोस्तों, ये बच्चा है 7 लीटर के आसपास में दूध बता रहे हैं इसका। तो देखिए आप, बढ़िया भैंस है, बॉडी स्ट्रक्चर बढ़िया है, 7/4 गांठ के आसपास की भैंस है जिसे आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। ठीक है बाबू जी, आज कैसे क्या मार्केट? बढ़िया है, थोड़ा डीम है, डीम है थोड़ा, आज आखिर में बजट भी थोड़ा। हाँ हाँ, ग्राहक कम है, लेवाल कम है, आज बाजार डीम तो बहुत आई है, भैंस ज्यादा आई पर लेने वाले कम आए। दोस्तों यही 1,00,000 कीमत बताई थी, और बैठक में कम हो जाएंगे कीमतें, तो करीब मिल जाएगी 80,000-85,000 में। वो वाली काफ़ी जो भैंसे हैं हमने आपको बताई है, तानी तानी भैंसे, जो गाबन भाखड़ी भैंसे, वो तो लगभग जो मार्केट है अब तक ख़त्म हो चुका है, ऐसा शेष बाजार नहीं बचा है गाबन भाखड़ी भैंस का, क्योंकि समय हो गया है करीब 12:30 से ऊपर का समय, 1 बजे के आसपास, और वो जो भैंसे ज़्यादातर बिक चुकी है। और दोस्तों आज का विश्लेषण हम करें तो जो आज है भैंसे ज़्यादा आई थी, लेने वाले कम थे, तो जो बाजार था इस कारण डाउन गया, तो कीमतें थोड़ी मद्दी रही, यहाँ भी मद्दी रही थी, घोंसला में भी जो कल राखी थी, इसके कारण जो वहाँ पर बाजार था वो भी हमें डाउन देखने को मिला है। तो कैसे क्या लगी हमारी जानकारी आपको, आप हमें बता सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, और वीडियो को ज़ोरदार लाइक करें। बाकी मिलते हैं अगले रविवार को धुंधड़का की पशु मंडी से, तब तक के लिए जय श्री।